संडे के दिन आपको आप लोगों को परेशान किया गया। हाँ देखो भाई कितना टाइम लगेगा, बस इतना इतना जी। कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे, कैसे चार संदिग्ध जो आतंकी हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए अब शुरू ही हो गई है, अब कुछ ही देर में बोलना शुरू करेंगे। कब तक चीजें आ जाएंगी? अभी डलवाते हैं, आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं, और एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अलकायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1988 में सोवियत अफगान वॉर के समय ओसामा बिन लादन, अब्दुल्ला अजीज तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अलकायदा चीफ अल जवाहरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को ये मारा गया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी
और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद जो कि अलकायदा का ही एक अंग है के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज मसीरुद्दीन व शकील, इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों स्मारकों भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने मानव बन आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी उस पर उसको डेवलप किया है। फिर उप घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड बगारिया जेहटा बरावन कला दुबग्गा थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ थाना मड़ियाहूं मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है जिसका विस्तृत फर्द या विवरण फर्द पुलिस के लैंग्वेज में उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहूं थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से कुकर भी बरामद हुआ है।
अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहूँ। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूँगा। इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जब जैसे ही सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पर कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पर हमारे एसटीएफ ने, इस एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही कितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते। नहीं, अभी तो दो डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा हम आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह ऐसी चीज़ तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर कंजेक्चर ना करें, जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज़ इसमें छुपाने की।
अन्य माने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है जी। नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं जी। हाँ, पिस्टल मिली है। अभी जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से ऑपरेशन से ज़्यादा तेज़ी से हम आपके सामने चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रेस में अचानक चलने लगी और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था, तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको जरूर अवगत करेंगे। इसके अलावा कुछ बताएं, ये बताना आवश्यक नहीं। मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजे। आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। क्या अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है, फिर भी क्योंकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार, और बहुत बार हम लोग फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट मिनट पर डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। किसको अभी FIR दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। FIR तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। ये अभी इस बारे में जब इससे पूछताछ की गई थी, वैसे इसमें कई लोगों के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि दो लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और ATS और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। देखिए, वो लोकल लोग जो भी बता रहे हैं वो आपसे बता रहे होंगे, जो विवेचना से संबंधित और ऑपरेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और उस संबंध में लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं इसके बारे में हम लोगों का कुछ भी बताना उचित नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं है, 4-5 घंटे 6 घंटे में तो कुछ इतना पता नहीं चलता। चलिए, धन्यवाद।